नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पहले ही बताया गया था कि अब वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी हो गया है और यह प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन लिंक कैसे करना है। तो दोस्तों, आप अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को घर बैठे बैठे लिंक कर सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए लिंक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ढेर सारे अपडेट आपको मिलते रहे। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट जो है nvsp.in पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यह नया ऑप्शन ऐड हुआ है जो है फॉर्म 6B का, और इस फॉर्म को यूज़ किया जाएगा वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। अब आपको यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। वहीं अगर आपका इस वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बन जाने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना होगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर एंड एग्जिस्टिंग इलेक्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज कुछ ऐसा होगा। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। वहीं अगर आप इसे ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आपको इस PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट लेने के बाद आपको अपना डिटेल फिल करना है। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6B पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप अपना यहां डिटेल चेक कर सकते हैं। यहां पर आपका स्टेट दिया हुआ है, यहां पर आपका असेंबली दिया हुआ है, और यहां पर आपका नाम दिया हुआ है, और आपका एपिक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। इसे फिल करने के बाद इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने आधार का डिटेल देना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। वहीं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इन सारे डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। मगर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पासबुक में आपका फोटोग्राफ होना जरूरी है। उसके अलावा अपना हेल्थ स्मार्ट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पेंशन डॉक्यूमेंट है तो वह भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर RGI द्वारा इशू किया गया स्मार्ट कार्ड है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। सर्विस आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। वहीं MP MLA MLC से कोई ऑफिशियल आईडी कार्ड इशू कराकर उसे आप अपलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई यूनिक आईडी कार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए हैं तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसे सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर उस फाइल को चूज करना है। चूज करने के बाद फाइल अपलोड हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास आधार नंबर है और उसे आप देना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्लेस फिल करना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा फिल किए गए सारे डिटेल सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया है, और यहाँ पर रेफरेंस आईडी जनरेट हो चुका है। इस रेफरेंस आईडी को संभाल कर रखना है जब तक आपका आधार कार्ड आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक ना हो जाए और इसका कंफर्मेशन मैसेज ना आ जाए। और साथ ही साथ इस रेफरेंस आईडी को यूज करके आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन लिंक कैसे करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, यह जानकारी अपनों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।